तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। खाने के साथ अगर रायता मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो आज हम लोग बहुत ही आसानी से रायता बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कंटेनर में दही ले लिया है। दही में हम लोग हल्का सा पानी ऐड करेंगे, देन उसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। आपको अगर कम चाहिए देन आप कम पानी ऐड कीजिए। तो मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड किया है, देन इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। बारी आती है दोस्तों इसमें वेजिटेबल्स डालने की, तो आप अपने पसंद की इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें चॉप्ड एकदम बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है, बारीक कटी हुई मिर्च डाल देनी है, और उसके बाद मैंने इसमें खीरा लिया है, खीरा को मैंने कद्दूकस कर लिया है, देन उसके बाद इसमें डाला है। देन उसके बाद हमने मूली भी ली है, मूली को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, देन उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है। देन उसके बाद इसमें हल्का सा धनिया डाला है। देन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको कोई और वेजिटेबल डालने की इच्छा है तो आप इसमें डाल सकते हैं। हमारा रायता तो एकदम रेडी हो चुका है। चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं इसमें नमक डाल के, लेकिन हम लोग इसमें तड़का लगाने वाले हैं। तड़के के लिए मैंने सबसे पहले एक कटोरी ले ली है, देन उसमें हमने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल का तड़का बहुत ही टेस्टी होता है। देन उसमें हमने जीरा डाल दिया है, जीरा के बाद उसमें हमने हल्का सा लहसुन काट के डाल दिया है। देन उसके बाद इसमें हम लोग धनिया जो होती है खड़ी धनिया, देन उसको हमें इसमें डाल देना है। देन ऊपर से हल्के से कड़ी पत्ता, देखिए कैसी फ्लेम निकल रही है मस्त। देन उसके बाद जब ये हल्का सा एकदम भुन जाए, देन उसके बाद हमें गैस ऑफ करनी है, और ये हमारा जितना भी तड़का है वो सारा हमें अपने रायते में डालना है। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि तड़के को ठंडा नहीं होने देना है। जैसे ही हमने गैस फ्लेम ऑफ की तड़के की, देन तुरंत इसमें हमें डाल देना है, और उसी कटोरी से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन उसके बाद चम्मच से इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फाइनली हमारा रायता एकदम रेडी हो चुका है। लेकिन इसमें हमने अभी बूंदी भी ऐड करनी है। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं बूंदी, लेकिन मैंने ली है तो मैंने इसमें बूंदी ऐड कर दी है। देन बूंदी को भी इसमें हम लोग मिक्स कर देंगे। देन उसके बाद अब फाइनल स्टेज पे हम लोग नमक ऐड करेंगे। तो स्वाद अनुसार आप लोग नमक इसमें डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है उतना। अगर आप इसमें काला नमक डालेंगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। मैंने इसमें नॉर्मल ही नमक ली है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें काला नमक डाल सकते हैं। काले नमक से स्वाद बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। देन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फाइनली हमारा रायता एकदम रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए। ओके बाय।